हाँ तो हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो क्या हाल है आप लोगों के? तो भाई मेरे गेटअप को देख के ही सोच रहे हो कि कैसा बंदा, इतनी भयंकर गर्मी है अभी, ऊपर क्यों पहनी है? तो भाई मैंने ये ऊपर इसलिए पहनी है क्योंकि जैकेट करी थी मैंने वॉश, बहुत ज्यादा गंदी हो गई थी यूज की वजह से, और बाहर बहुत ज्यादा गर्मी और धूप ऐसी भयंकर है कि हाथ जल जाएंगे अगर हाथों पर कुछ नहीं पहना। तो अभी आज जा रहे हैं करोल बाग, मुझे बाइक में थोड़ा सा काम है, दिखाता हूँ कि वो मजेदार चीज़ क्या है। ठीक है, चलो चलते हैं। हाँ तो भाई रिम गया है बना हमारा, अभी जा रहा हूँ टायर लगवाने के लिए, इस पर टायर लगवाते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों को। Thank you.
हाँ तो भाई आगे डल गया अपना छोटा टायर और बाइक की लग कुछ लोग ऐसी आ रही है, अजीब सी अजीब लग रही है। अभी आगे राइजर डल जाएंगे तो बाइक आगे से और ऊँची हो जाएगी, तब थोड़ा सही लगेगी देखने में, ठीक है। और मैंने आगे का मडगार्ड भी हटा दिया ताकि थोड़ी सी और अच्छी लगे, बाकी राइडिंग एक्सपीरियंस तो राइड करने के बाद पता चलेगा। अभी टेस्ट ड्राइव लेके आया मैं छोटी सी, बट बाकी फिर भी अभी रोड पे चलाएंगे तो और पता चलेगा। चलो अभी निकलते हैं यहाँ से, आप लोगों को मिलते हैं बाद में। हाँ तो भाई वेलकम बैक, ये दूसरा दिन है और ये इसी वीडियो का पार्ट है, क्योंकि जब मैं करोलबाग से काम करवा के निकला उस टाइम शाम हो गई थी और शाम को लक्ष्य का फोन भी आ गया था, क्योंकि उस कल था टेक्नो का, मतलब अभी करंट में टेक्नो का बर्थडे चल रहा है। कल रात को हम 12 बजे टेक्नो के यहाँ गए थे तो वहाँ से आते थे 3 बजे के, तो मैं रात को लक्ष्य के यहाँ स्टे कर लिया था। अभी सुबह 12 बजे ग्राउंड तो से घर से उठा मैं, तो उठ के घर पे आया हूँ और अभी तो शाम हो गई है, मैंने थोड़ा रेस्ट कर लिया और व्हील वाली वीडियो भी एडिट कर ली है। तक ये वीडियो आई उससे पहले व्हील की वीडियो आ चुकी होगी, तो जाके व्हील की वीडियो भी चेकआउट करके जरूर आना, ठीक है। और देखा ये हमारी व्हील की बात, तो व्हील लग तो सही रहा है, जब इसमें मेरे फोक राइजर्स आ जाएंगे यहाँ पे तो ये आगे से और उठ जाएगी तो ये टोटली फिर ज्यादा अच्छा लगेगा। और अभी इशू ये आ रहा है कि ये व्हील एक बार दोबारा अलाइनमेंट वगैरह वाले के बंदे के पास भेजना पड़े, इसने व्हील बनाया था मतलब उसके पास भेजना पड़ेगा, क्योंकि व्हील में थोड़ी सी जैसे स्पोक्स, जब हम साइकिल वगैरह चलाते स्पोक्स लूज होते हैं तो उनमें आवाज़ आती है ना कि स्क्वीजिंग की, जैसे व्हील हमारे स्पोक्स स्क्वीज करते हैं किच किच करके आवाज़ आती है, तो वैसे इसमें आवाज़ आ रही है। तो अभी मैंने भैया से बात करी, अभिनव भैया से, तो वो कह रहे हैं कि भाई बंदे को मतलब मैं बंदे से बात कर लेता हूँ, वो जैसे ही बोलेगा तुम बाइक लेके वापस आ मेरे पास आ जाना, मैं उसको व्हील दे दूंगा, व्हील को पूरा अच्छे चेक करके और ठीक करके वापस दे देगा। और अभी मैं रिसेंटली सोच रहा हूँ कि मैं इस पीक को भी हटा दूँ, कि थोड़ा सा मतलब मुझे ऐसा गंदी तो नहीं लगती, लगती बहुत अच्छी है, पर मैं सोच रहा हूँ नंबर प्लेट यहाँ पे लगा लेता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया तो मैं पीक हटाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि कई बार अगर पिलियन बैठता है तो पीक उसको बैठने में इशू करती है, कई बार वहाँ से पैर ओवरलैप करना पड़ता है जब, तो पीक मैं हटाने की सोच रहा हूँ। और सोच रहा हूँ इसके लिए कुछ नया कलर भी डिजाइन करूं, पर मैं बेस व्हाइट के साथ रहूंगा, ज्यादातर व्हाइट दिखेगा बाइक पे, और कुछ नया कलर कंट्रास्ट की सोच रहा हूं, तो चैनल पे बने रहना आप लोग। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हुए, जब वापस बाइक लेके जाएंगे तब आगे की वीडियो बनाएंगे, अभी तक यहीं के लिए। तो अभी तक वीडियो में यहीं, हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ, बाइक की नई अपडेट जल्दी आती रहेंगी, व्हील के साथ थोड़ा सा इशू है पर ओवरऑल मेरे को चलाने में मजा आ रहा है। हाँ थोड़ा सा मेरे ख्याल से इसकी स्पीड और मीटर में कुछ इशू आ रहा है छोटे व्हील से, क्योंकि व्हील जल्दी अपनी रोटेशन पूरी कर रहा है तो उसके काउंट स्पीड में फर्क आ रहा है। जल्दी मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, बाकी चीज़ें बताता हूँ बाद में।